हाय देयर, ये MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप की थीम के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाइलाइटेड थीम भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका मेन टॉपिक है हैंडलिंग बिजनेस ग्रोथ। सो एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये ज़रूरी होता है कि ना सिर्फ वो बिजनेस को स्टार्ट कर सके बल्कि हैंडल भी कर सके जो भी चैलेंजेस हैं बिजनेस ग्रोथ के। सो कुछ मॉडल्स और स्ट्रेटजीज कॉमनली तौर पर यूज़ की जाती हैं, सिखाई जाती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। सो पहला है बिजनेस ग्रोथ मॉडल। सो जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो बहुत ज़रूरी होता है इस बात को समझना कि जो डायनामिक्स एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं बिजनेस ग्रोथ के साथ। सो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बिजनेस मॉडल, यानी कि डिफरेंट बिजनेस मॉडल को समझना भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। सो दो फेमस मॉडल हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए, और पहला है बिजनेस ग्रोथ मॉडल। सो जो पहला फेज होता है बिजनेस ग्रोथ मॉडल का वो होता है एग्जिस्टेंस, जिसमें एंटरप्रेन्योर जो है वो स्टार्ट करता है प्रोसेस एक्वायरिंग का और रिटेनिंग का कस्टमर को अक्वायर करने का और उनको रिटेन करने का। प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो डिलीवर्ड होती हैं और शोकेस होती हैं नए और एग्जिस्टिंग कस्टमर को। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है बिजनेस ग्रोथ मॉडल का वो होता है सर्वाइवल। और जो यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अक्सर औकात जो है वो सर्वाइवल को सक्सेस के साथ कन्फ्यूज करते हैं, वो सर्वाइवल को सक्सेस समझते हैं, उसके आपस में जो है वो सिनोनिमस समझ रहे होते हैं, दोनों को सेम समझ रहे होते हैं, कन्फ्यूज हो रहे होते हैं कि दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। जबकि ये जो स्टेज होती है ये होती है एग्जिस्टेंस और सक्सेस के दरमियान, इन दोनों के दरमियान। सो सर्वाइवल फेज में एंटरप्रेन्योर रियलाइज करता है कि जो बिजनेस आइडिया है वो वर्केबल है फ्यूचर प्रोग्रेस फर्दर प्रोग्रेस के लिए बिजनेस की या नहीं है। और इस स्टेज में स्लाइट इंक्रीज होना प्रोडक्ट सेल्स में और रेवेन्यू के अंदर, यानी कि इनकम के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। और ऑफन जो है बिजनेस जो है वो अचीव करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या फिर उससे क्लोज होते हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा और ना कोई लॉस होता है। और फिर जो थर्ड स्टेज होती है वो सक्सेस की होती है, जिसमें कंपनी जो है वो मेंटेन करती है, कर सकती है अच्छे कस्टमर्स को, और बिजनेस जो है वो प्रॉफिट हासिल करना शुरू कर सकता है, करना शुरू कर देता है इस स्टेज पे आके। और इनकम जो है वो एक्सीड कर जाती है ब्रेक इवन पॉइंट को, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस से अब आगे मामला चला जाता है। अब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला नहीं रहा, बल्कि मामला जो है वो आगे चला जाता है। और बिजनेस जो है वो इतना कैपेबल हो जाता है, इतना काबिल हो जाता है, इतना स्टेबल हो जाता है कि वो फिक्स कर सकता है जो भी कंपटीशन होते हैं मार्केट में सक्सेस स्टेज पे आके। फोर्थ जो फेज है सक्सेस के बाद वो होता है टेक ऑफ का। और जो फिफ्थ स्टेज होता है वो होता है रिसोर्स मैच्योरिटी का। रिसोर्स मैच्योरिटी पे एंटरप्रेन्योर कोशिश करता है बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए और सर्विस डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और तमाम जो स्पेशलाइज एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म होती हैं सेपरेटली इस स्टेज के ऊपर, डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर। ग्रीनर ग्रोथ मॉडल ऑफ बिजनेस, ये मॉडल प्रेजेंट किया गया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर, और ये प्रेजेंट करता है उन डिटेल को जो पोटेंशियल चैलेंजेस एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है बिजनेस ग्रोथ के दौरान। सो ये मॉडल आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर 6 फेजेस हैं और 5 चैलेंजेस हैं, और इनकी डिटेल नीचे आएगी इन फेजेस की, तो आपको क्लियर हो जाएगा हर फेज। सो पहला जो फेज है वो है ग्रोथ थ्रू क्रिएटिविटी, दूसरा फेज है ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन, तीसरा है ग्रोथ थ्रू डेलीगेशन, चौथा है ग्रोथ थ्रू कोऑर्डिनेशन, पांचवा है ग्रोथ थ्रू कोलैबोरेशन, छठा है ग्रोथ थ्रू अलायंसेस, और पहला जो चैलेंज है वो है लीडरशिप क्राइसिस, दूसरा है ऑटोनॉमी क्राइसिस, तीसरा है कंट्रोल क्राइसिस, चौथा है रेड टेप क्राइसिस, और पांचवा है ग्रोथ क्राइसिस। सो बिजनेस को 6 फेजेस फेस करता है एक बिजनेस, और 5 जो है वो चैलेंजेस। सो इस मॉडल के अंदर जो पहला फेज है वो क्रिएटिविटी का है। सो कॉस्ट रिडक्शन, एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल जो है वो फोकस होता है इस फेज का, और यूजुअली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है इस स्टेज में एंटरप्रेन्योर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स जैसे कि कस्टमर के दरमियान। दूसरा जो है फेज वो डायरेक्शन का है, सब डायरेक्शन की बात हो रही है, तो प्रॉपर डायरेक्शन आपको देना चाहिए उन लोगों को जो आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके अंडर में काम कर रहे हैं। तीसरा जो है फेज वो है डेलीगेशन का। सो डिफरेंट फंक्शंस के अंदर एंटरप्रेन्योर को डेलीगेट करना होता है काम, क्योंकि सारा काम एक एंटरप्रेन्योर खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसको वो काम जो वो खुद से ना कर सके उसको डेलीगेट करना होगा। चौथा फेज होता है बिजनेस ग्रोथ का, वो है बिजनेस ग्रोथ इज कोऑर्डिनेशन। सो इस स्टेज में क्या होता है कि
बिजनेस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट तौर पे ग्रो हो रहे होते हैं, और तमाम डिपार्टमेंट जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं अंडर अ डिफाइंड हायरार्की, एक डिफाइंड जो हायरार्की है उसके अंडर। पांचवा जो फेज है बिजनेस ग्रोथ मॉडल का वो है कोलेबोरेशन। इस स्टेज पे बिजनेस जो है वो उनकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होती है सेपरेट डिपार्टमेंट्स के साथ। और छठा जो फेज है वो है ग्रोथ थ्रू अलायंस। इसमें क्या होता है कि बिजनेस जो है एक मेच्योरिटी की स्टेज पे पहुंच जाता है, और जब मेच्योरिटी पे एक बिजनेस पहुंच चुका होता है तो काफ़ी मुश्किल होता है उसके लिए ग्रो करना, कि वो खुद से ग्रो कर सके। अब जब खुद से वो ग्रो नहीं हो सकता तो फिर उसके लिए अलायंस। आपको फेजेस के बारे में बताया गया, छह फेजेस होते हैं और छह में से पांच ऐसे फेजेस होते हैं जिनके अंदर क्राइसिस आते हैं। पहला जो फेज है उसके अंदर कोई क्राइसिस नहीं है, दूसरे फेज के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है, तीसरे के अंदर ऑटोनॉमी क्राइसिस है, चौथे के अंदर कंट्रोल क्राइसिस है, पांचवे के अंदर रेड टेप क्राइसिस है, और छठे के अंदर ग्रोथ क्राइसिस है। प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ पार्ट 1। सो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए प्रिपरेशन जो है वो की है, यानी कि चाबी है। जब ब्रांड नेम स्टेब्लिश हो जाता है तो बिजनेस को जरूरत पड़ती है एक्सपेंशन की। सो जरूरी होता है कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना जो प्रिपरेशन के बारे में है, प्रिपरेशन फॉर ग्रोथ के बारे में है। सो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल। सो इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल के अंदर पांच कॉमन स्टेजेस हैं। इंट्रोडक्शन का स्टेज है, ग्रोथ है, शेकआउट है, मेच्योरिटी और डिक्लाइन है। सो इंडस्ट्रीज जो है वो इवॉल्व होती हैं और वक्त के साथ साथ डिक्लाइन भी हो जाती है। जैसे कि रील कैमरा की अगर हम एग्जाम्पल देखें या सिम्बियन फूल की एग्जाम्पल अगर हम लें तो उसकी मार्केट अब डिक्लाइन हो चुकी है। किसी दौर में इस तरह की जो प्रोडक्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा सेल होती थी, रील कैमरा और सिम्बियन फूल वगैरह, लेकिन अब इसकी मार्केट जो है वो बिल्कुल गिर चुकी है। सो एक एंटरप्रेन्योर को ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए जो ऑलरेडी गिरती हुई इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पर जाएगा तो वो फिर ऑलरेडी इंडस्ट्री गिर रही है तो उसकी कोई खास ग्रोथ नहीं होगी, और कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो भी वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती है। सो आईटी रेवोल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर और मशीन रेवोल्यूशन जो है ये भी कॉस्ट हैं, वजूहत हैं डिक्लाइन होने में, गिरने में बहुत सी इंडस्ट्री। सो अगर एक इंडस्ट्री जो है वो एवोल्यूशन फेज में है तो बेहतर होता है कि उसके अंदर इंटर हो जाया जाए, नए बिजनेस के लिए इंटर हो जाए उसके अंदर। और इनिशियल फेज के बाद जो है वो ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस जो है सक्सेसफुल रहा है, करीब का अगर हम पास देखें, करीब का जो माजी है, सो कई सारे नए एंट्रेंट उसके अंदर दाखिल हुए हैं, और होम बेस बैंकिंग भी एक और एग्जाम्पल है। सो मेच्योरिटी फेज जब आ जाता है किसी बिजनेस का तो वहाँ पे नए एंट्रेंट के लिए दाखिल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सो एक एंटरप्रेन्योर को ऐसी इंडस्ट्री को नहीं चूज़ करना चाहिए जो डिक्लाइन फेज के अंदर हो। सो एक और कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। प्रोडक्ट जो है वो कई सारे फेजेस से गुजरती है, स्टेजेस से गुजरती है अपनी जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर। पहला होता है इंट्रोडक्शन जिसमें वो इंट्रोड्यूस होती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मेच्योरिटी आ जाती है सबसे ऊपर, और फिर जब मेच्योरिटी होगी उसके बाद फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और ये वक्त के साथ साथ होता रहता है। अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो किसी दौर में जब मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट के अंदर तो वो सिर्फ कॉल्स के लिए और SMS के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। फिर ऐसा वक्त आया कि जो सिंपल फ़ोन थे उनकी मार्केट जो है वो गिरती चली गई, और फिर स्मार्टफोन इंटर होना शुरू हो गए मार्केट के अंदर। पहले सिम्बियन टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन मार्केट के अंदर आना शुरू हुए, और फिर एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के साथ आना शुरू हो गए। और अब यही नहीं बल्कि जितने भी रिसर्चर हैं और जो डेवलपर हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, ताकि नई नई चीज़ें ला सकें, ताकि जो मेच्योरिटी का जो स्टेज है इसको होल्ड कर सकें, इसको गिरने ना दे, डिक्लाइन में ना चला जाए। सो कंपनी जो है वो सस्टेन करने की कोशिश करती है इस स्टेज को रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू। इनिशियली प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो कंज्यूम करती हैं बहुत बड़े अखराजात एडवर्टाइजमेंट वगैरह के। प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। सो बिजनेस ग्रोथ के लिए तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तीन डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल स्टेज, और एंटरप्रेन्योरियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी। सो मर्जर के अंदर क्या होता है कि दो कंपनीज कंबाइन कर लेती हैं अपने बिजनेसेस को, एक और एक नई कंपनी बनाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है उन दोनों एंटिटीज को। और इसके मुकाबले में एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो उसको खरीद कर, जैसे कि फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था।
सो जो बेसिस है मर्जर की और एक्विजिशन की वो चार है, फाइनेंशियल है, टेंडर बेस्ड है, मैनेजमेंट टीम बेस्ड है और प्रोडक्ट बेस्ड है। और मर्जर की भी टाइप्स हैं। सो जो टाइप्स हैं वो है पहली हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है कि दो बिजनेस जो कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सेम प्रोडक्ट लाइन होती है और मार्केट होती है, वो कंबाइन कर हो जाते हैं आपस में और एक नया बिजनेस बना लेते हैं। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है कि कंपनी जो है वो सप्लायर के साथ मर्ज कर लेती है अपने आप को, ताकि प्रोवाइड करे वो वैल्यू एडिशन अपनी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट ऑफरिंग के अंदर। और इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो एक कोन सप्लायर है, जो कोन होता है आइसक्रीम वाला, जो कोन होता है उसका जो सप्लायर है वो आइसक्रीम कंपनी के साथ मर्ज हो जाता है, ताकि वो कोन वाली आइसक्रीम जो है वो प्रोवाइड कर सके। और उसके बाद आता है फिर कोन जेनेरिक मर्जर। इस तरह के मर्जर के अंदर दो बिजनेस जो है वो जो कि सर्व करते हैं सेम कस्टमर्स को, सेम कस्टमर है दोनों का, वो कंबाइन आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे कि टीवी मैन्युफैक्चरर है और केबल की कंपनी है, ये जो है वो कंबाइन हो सकते हैं। और उसके बाद आती है फिर मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर में क्या होता है कि दो बिजनेस जो कि सेल कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट, लेकिन सेल का कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट में, वो शेयर करते हैं अपनी मार्केट को, और इसी को हम कहते हैं मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ स्ट्रेटेजी टूल्स पार्ट 3। सो दो स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि BCG मैट्रिक्स और एनसॉफ मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स को डेवलप किया था बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में, इसी वजह से इसको BCG मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि BCG एब्रिवेशन है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की। अभी आपके सामने यहाँ पर मैट्रिक्स मौजूद है, इसमें एक तरफ रिलेटिव मार्केट शेयर है तो दूसरी तरफ मार्केट ग्रोथ रेट है। अगर प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट स्टार के अंदर फॉल करती है तो ऐसी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट ग्रोथ रेट भी उसका हाई है। अगर कोई प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क में फॉल करती है तो उसका रिलेटिव मार्केट शेयर लो है और मार्केट ग्रोथ रेट उसका हाई है। अगर कैश काउ है कोई प्रोडक्ट तो इसका मतलब ये कि उसका मार्केट ग्रोथ रेट लो है लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर उसका हाई है। और अगर डॉग में कोई प्रोडक्ट फॉल करेगी तो वो प्रोडक्ट फॉल करेगी जिसका रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो होगा और मार्केट ग्रोथ रेट भी उसका लो होगा। अब आपके सामने एनसॉफ मैट्रिक्स है। सो जो एनसॉफ मैट्रिक्स होता है ये बहुत अच्छा टूल होता है एनालाइज करने के लिए प्रोडक्ट या मार्केट एक्सपेंशन को। इसको डेवलप किया था इगोर एनसॉफ ने और पब्लिश हुआ था 1957 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में। सो इसके अंदर जो है वो दिखाया जाता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट। सो मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब ये होगा कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगी और मार्केट भी एग्जिस्टिंग होगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये कि प्रोडक्ट तो न्यू होगी लेकिन मार्केट एग्जिस्ट होगी, और मार्केट डेवलपमेंट का मतलब ये कि मार्केट न्यू होगी लेकिन प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग होगी। और डाइवर्सिफिकेशन अगर होगी तो न्यू प्रोडक्ट ही होगी और मार्केट भी न्यू होगी। ग्लोबलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया भर के लोगों को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है जो कि पास्ट में कभी नहीं हुआ। अगर हम पीछे 100 साल, 1000 साल पीछे जाएं तो हमें बड़ी बड़ी एम्पायर्स का दौर दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पे भी लोग एक एम्पायर के अंदर इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते थे जितने आज दुनिया भर में लोग कनेक्ट होते हैं। आज नेशन स्टेट का दौर है, नेशनल बाउंड्रीज मौजूद है, उसके बावजूद भी दुनिया भर के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और कम्युनिकेशन चैनल ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। और एक नए एंटरप्रेन्योर को ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसका नए बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और नॉलेज जो है आज के दौर में एक्सेसिबल है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। इंटरनेट के आने के बाद तो बहुत दुनिया भर की नॉलेज मिल जाती है। और कल्चरल बाउंड्रीज श्रिंक हो रही हैं, फ्री ट्रेड हो रही है दुनिया कई सारे कंट्रीज के दरमियान दुनिया भर में, और लोग जो है वो ज़्यादा कनेक्टेड हैं शेयर कल्चर और वैल्यूज़ के थ्रू। और कई सारे डिफरेंट ड्राइवर्स हैं फास्ट ग्लोबलाइजेशन के, और उनमें से कुछ की डिटेल आपको बताई जा रही है, जिनमें से पहला है नेचुरल रिसोर्स एंडाउमेंट। अब एक कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक कंट्री सेल करना चाहती है दूसरी कंट्री को, और वो भी एक फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि एक कंट्री अपनी रिक्वायरमेंट खुद से फुलफिल नहीं कर सकता, उसको रिलाई करना पड़ता है दूसरे कंट्रीज के ऊपर अपनी ज़रूरियात के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है, पहले के दौर में जो ट्रांसपोर्ट होती थी वो बहुत स्लो होती थी, आज के दौर की ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्प्रूव हो चुकी है और बहुत फास्ट है, काफ़ी तेज़ है।
टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आया है, कम्युनिकेशन और कनेक्शन जो है वो बहुत आसान हो चुका है। इंटरनेट, फोन्स और दूसरे भी बहुत से तरीके हैं जिससे लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अब तो ट्रेड ब्लॉक्स बन चुके हैं और कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट भी हैं। एशिया के अंदर आसियान और यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन मौजूद है, इसके ज़रिए भी ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। इसके अलावा नॉलेज और स्किल, अब जो है वो कंट्रीज़ को, नेशंस को कैटेगराइज किया जाता है उनकी स्किल्स की बेस के ऊपर और नॉलेज बेस इकोनॉमी। इसके अलावा ग्रोथ स्ट्रेटजीज ऑफ द लार्जर लार्ज कॉरपोरेशन, कई सारी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो वर्क कर रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बहुत से चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं नए बिजनेस के लिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप है जो कि प्रोसेस है बिजनेस कॉम्पिटिशन का ग्लोबल लेवल के ऊपर, सो दूसरे कंट्रीज़ के वैल्यूज़ और कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, ताकि वहाँ पर वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके। अदरवाइज़ अगर उस कंट्री की कल्चर और वैल्यू के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट जो है फेल हो जाएगी। सो कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल फोर्सेस समझना बहुत ज़रूरी होता है उस कंट्री की जहाँ पर बिजनेस किया जा रहा है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं और उनको अडॉप्ट करना होता है उस कंट्री का कल्चर भी, अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ में एक तरफ इजाफा हुआ है तो दूसरी तरफ स्मॉल बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स में भी इजाफा हुआ है। सो कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो आपके सामने मौजूद हैं, एक एक करके देखते हैं। बॉर्न ग्लोबल फर्म, ये जो कॉन्सेप्ट है बॉर्न ग्लोबल फर्म का, ये इमर्जिंग है जहाँ पर स्मॉल फर्म लॉन्च करती हैं अपना बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। उसके बाद है सर्विस आउटसोर्सिंग, लार्ज फर्म्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स, वो रिड्यूस करना चाहती हैं अपनी कॉस्ट को और वो आउटसोर्स कर देती हैं अपनी सर्विसेज को, जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह की सर्विस को लेस डेवलप कंट्रीज़ की जो वर्क फोर्स है, जो वर्कर्स हैं उनको, ताकि उनकी जो कॉस्ट है उसके अंदर कमी आए। ऑफशोरिंग है, इसके अंदर क्या होता है कंपनी जो है वो इनिशिएट करती हैं अपने ऑपरेशन दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पर कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो कम है हायर करने की नॉलेज वर्कर्स को। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और ये भी जो है एक सोर्स है ग्लोबलाइजेशन का। सो वेबसाइट्स, ब्लॉग्स या ऑनलाइन बुकिंग वगैरह, ये जो है स्ट्रॉन्गली एमर्जिंग है आजकल एज़ कम्पेयर टू पास्ट। और स्किल इंडस्ट्री, ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग जो है वो होती है क्योंकि स्किल जो होते हैं, स्किल ऑफ पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके स्किल की वजह से। एक एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए दोनों को, अपॉर्चुनिटीज़ को भी और जो चैलेंजेस हैं ग्लोबलाइजेशन के, उनमें से कुछ आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। कल्चर, वैल्यूज़ एंड डेमोग्राफिक्स, तो कल्चर और वैल्यूज़ हर कंट्री की अलग होती है और डेमोग्राफिक यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में स्टडी करना। लीगल सिस्टम की बात करें तो हर कंट्री के लॉज जो है वो अलग होते हैं। इकोनॉमिक रिस्क यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन का असर किसी भी कंट्री के उसके बिजनेस के ऊपर भी पड़ता है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से यूएस की जो पोजीशन है वो वीक हो रही है और इसी वजह से कई चीज़ों के प्राइस के अंदर भी चेंजेस आ रही है। और फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं और मैनेजेरियल और स्किल्स की जो है लिमिट होती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं हर कंट्री के अपने, प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है इसके अलावा, और ऑपरेशन अल्ट्रेशन इनके चेंज, अल्ट्रेशन का मतलब चेंज। सो अगर एक फर्म या बिजनेस ग्लोबल होना चाहता है तो उसके 6 स्ट्रेटजीज हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जो कि नॉर्मली लोग जानते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट अपने मुल्क में बन रही है उसको बाहर बेचा जाए, किसी दूसरे कंट्री में बेचा जाए। और इंपोर्ट का मतलब ये कि जो प्रोडक्ट किसी बाहर दूसरे मुल्क में बन रही है उसको अपने मुल्क में मंगवाया जाए और वहाँ उसको कंज्यूम किया जाए या सेल किया जाए। फॉरेन लाइसेंसिंग होती है जिसके अंदर एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को या दूसरे पर्सन को राइट देती है और वो जो जिसको राइट दिए जा रहा है वो किसी दूसरी ज्योग्राफिकल लोकेशन में है वो कंपनी। और इसके अलावा इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग होती है, ये जो है एक्सपेंशन का एक तरीका है जिसके ज़रिए नया या इस्टेब्लिश जो फ्रेंचाइज होता है इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को मूव कर सकता है नई ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर।
और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है, ये जो है कोलेबरेटिव अरेंजमेंट है फर्म्स के दरमियान जिनके हेडक्वार्टर्स डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन है, यानी कि इसका मतलब होता है कि कंट्रोल जो है एसेट्स का और ऑपरेशन का वो ट्रांसफ़र हो जाता है लोकल कंपनी से फॉरेन कंपनी की तरफ। सो जो आसान तरीका है ग्लोबलाइजेशन होने का, ग्लोबल होने का, एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन का नहीं बल्कि ग्लोबल होने का जो आसान तरीका है वो है एक्सपोर्ट किया जाए प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेशनल मार्केट तक। इसके अलावा और भी इनमें से जो ऑप्शन आपको बताए गए हैं वो भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, उनमें से भी किसी एक तरीके। द डिजिटल एज एंड इट्स इशू, ग्लोबलाइजेशन से ही डिजिटलाइजेशन का रेवोल्यूशन आया है और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और साथ में चैलेंजेस भी हैं। बहुत सी कंपनीज बॉर्न ग्लोबल कंपनीज हैं। सो इसके आने के बाद कॉस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर कमी आई है, ई कॉमर्स जो है वो पॉपुलर बनता जा रहा है डिजिटलाइजेशन की वजह से और इससे नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं फर्म के लिए। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल तराज डॉट पी के है, अली एक्सप्रेस है और बरीज डॉट कॉम है। लेकिन कुछ जो बॉर्न ग्लोबल बिजनेसेस हैं, बॉर्न ग्लोबल से मुराद बिजनेस को स्टार्ट करना इंटरनेशनल मार्केट से, तो जो बॉर्न ग्लोबल बिजनेस हैं डिजिटल नेचर के, उनके लिए कुछ सीरियस कंसिड्रेशन है जो रिक्वायर्ड हैं। तो वो आपके सामने हैं, प्राइवेसी पॉलिसी है इसके अंदर, एक्सचेंज पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी और मेथड्स, यानी कि जो पेमेंट के मेथड होंगे वो कौन सा होगा। कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान के अंदर कॉमन है लेकिन दुनिया भर में ऑनलाइन पेमेंट होती है, डिजिटल पेमेंट होती है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है गुड्स की उसको मैनेज करना और ऑर्डर जो जा रहा है उसकी ट्रैकिंग करना कि ऑर्डर जो है वो कहाँ पर मौजूद है। और FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं, इनको वेबसाइट पे इनका आंसर मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट, कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट का मतलब वो कंटेंट जो कंज्यूमर जनरेट करता है, और कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट एक तो फ़ायदेमंद भी हो सकता है अगर कंज्यूमर फेवर में डाल रहा है, और कंपनी के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है अगर कस्टमर कंज्यूमर नाराज़ है तो वो कंपनी के ख़िलाफ़ भी कंटेंट बना सकता है। सो कुछ चैलेंजेस और इश्यूज हैं ई कॉमर्स के या ई बिज़नेस के, और उनमें से कुछ आपके सामने मौजूद हैं। इसमें कंपटीशन ब्रूटल है, बहुत सख्त होता है कंपटीशन। कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर एक ही चीज़ सेल हो रही होती है और एक ई कॉमर्स साइट के ऊपर भी कई सारे सेलर एक ही चीज़ बेच रहे होते हैं, तो इसकी वजह से कॉम्पिटिशन भी इसमें सख्त हो जाता है और थोड़ा टाइम भी लगता है, एक पॉजिटिव प्रोफाइल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और गवर्नमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है प्रोडक्ट को, ऐसा भी हो सकता है। और जनरेट करना ऑनलाइन जो है टारगेट ट्रैफिक, जो टारगेट ट्रैफिक होता है उस तक पहुंचना, कभी ऐसा होता है कि टारगेट ट्रैफिक जो है वो नहीं आ रहा होता, ट्रैफिक आ रहा होता है लेकिन टारगेट ट्रैफिक नहीं आ रहा होता। और शॉपर्स को कन्वर्ट करना पेइंग कस्टमर के अंदर, वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है उनको कन्वर्ट करना कस्टमर्स के अंदर। और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और पार्टनर्स का, सही टूल का इस्तेमाल किया जाए, जो भी टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सही हो। और प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना होगा, प्रोडक्ट डिस्प्ले किए बगैर सेल नहीं हो सकती, और कंटेंट भी इसके अंदर डेवलप होना ज़रूरी है, विदाउट कंटेंट कोई प्रोडक्ट इसके अंदर सेल नहीं हो सकती। हाउ टू क्लोज अ वेंचर, यानी कि कैसे एक वेंचर को, एक बिजनेस वेंचर को बंद किया जाए। सो ये बहुत ज़रूरी होता है समझना जो क्लोजर स्ट्रेटजी है बिजनेस की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये भी नहीं जानते कि बिज़नेस को किस तरीके से बंद किया जाए और वो अपने आप को लीगल इश्यूज के रिस्क के अंदर फंसा लेते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं बिज़नेस को बंद करने के, और उनमें से कुछ जो कॉमन ऑप्शन है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। एक तो ये कि कंप्लीट क्लोजर हो, यानी कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए बिज़नेस को, ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरह से बिज़नेस को, या फिर ये भी ऑप्शन होता है कि सेल कर दिया जाए बिज़नेस को, किसी और शख्स को बेच दिया जाए, और या फिर होता है कि डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया जाए बैंक्रप्टसी लिक्विडेशन के लिए, यानी कि बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। बैंक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको थीम नंबर 14 करवाई गई। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या फिर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये जो हाईलाइटेड थीम है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।